नए बस स्टैंड में नव निर्मित फ्लाईओवर के नीचे कई सालों से जमे अतिक्रमणकारियों को आज नगर निगम की टीम ने पुलिस व प्रशासन की उपस्थिति में उन्हें हटा दिया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की उपस्थिति और प्रशासन की समझाइश पर वो शांत हो गए। हम आपको बता दें कि समान तिराहे के पास हनुमान मंदिर के पीछे बरसों से किए गए बेजा अतिक्रमण को आज नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने हटा दिया। दरअसल अभी हाल में ही समान तिराहे में ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ था, जिसके बाद तिराहे की सड़क चौड़ीकरण व नाली निर्माण सहित तिराहे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आज अतिक्रमण को हटा दिया गया। अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें शांत कराते हुए बेजा कब्जा को हटा दिया गया। मंदिर की आड़ में कब्जा करके बैठे लोगों को आज प्रशासन ने खदेड़ दिया। समान तिराहे में झोपड़ी बनाकर अवैध रूप से कब्जा करने वाले कब्जाधारियों के चंगुल से भूमि को मुक्त करा लिया गया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के बाद नाला निर्माण में आ रही अड़चनों के बाद प्रशासन के द्वारा ये कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय नेता मुनिंद्र तिवारी के विरोध करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं सड़क के दूसरी ओर शासकीय विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से शासकीय विद्यालय की भूमि में अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। प्रस्तुत है SDM शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सड़क चौड़ीकरण के कार्य के लिए और अभी ये ब्रिज का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल उद्घाटन हुआ था, उसके बाद ये संज्ञान में आ रहा है कि इसके आसपास बहुत से कैंपस में अतिक्रमण किया हुआ था। और जैसा कि पीछे आप लोग देख सकते हैं, शासकीय विद्यालय पर अतिक्रमण था, मंदिर के पीछे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था और रोड को ब्लॉक कर दिया था, नाली को ब्लॉक कर दिया था। उसके लिए हमारे संयुक्त कार्रवाई में नगर निगम, राजस्व, पुलिस के दल ने, हम सब लोगों ने मिलकर एक व्यवस्थित तरह से उनको मौका देके और उनके खुद के अपने हाथ से उन्होंने अतिक्रमण हटाया, उसको हटवा रहे हैं। नहीं, गिरफ्तारियां तो नहीं कहेंगे उसको, एक दो लोग ऐसे थे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे या वो, तो उनको हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर वो रहते हैं तो कार्यवाही में बाधा बनते, उनको कुछ देर के लिए हम लोगों ने अपने साथ ले लिया है, फिर उनका निर्णय हम लोग करेंगे।